हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम जी, कैसे हो आप सब भाई। आज आया हुआ हूँ मैं कानपुर PGI। तो भाई आप सब सोच रहे होंगे, हाँ भाई वैसे तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार मेरे ना पेट में दिक्कत रहती है। हफ्ता हो गया कुछ भी खाऊं यार, साथ के साथ वो मीटिंग आ जाती है और सिर में इतना दर्द रहता है भाई। गुहाना चेक कराया था डॉक्टर से, तो वो बोलते भाई ब्लड डोनेट कर ले, तेरा ब्लड ना ज़्यादा भी है और गाढ़ा भी है। तो भाई मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ यहाँ पे, और एक इसका लीवर का टेस्ट कराना है, तो देखते हैं करते हैं या नहीं करते हैं ये। तो अंदर चलते हैं भाई, मैं फिलहाल गाड़ी भी पार्क कर आया हूँ भाई पार्किंग में, और अब अंदर जा रहा हूँ। भगवान करे भाई यहाँ पे किसी को भी ना आना पड़े भाई, कितने मरीज आए हुए हैं यहाँ पे। और अंदर अंदर जाके देखते हैं भाई क्या माहौल है अंदर का। भीड़ होगी तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब ये देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे, या लाइन में लगना पड़ेगा तब जाके मेरे को स्लिप मिलेगी जो एंट्री स्लिप होती है। ये इधर दवाइयों का, तो गाइस फाइनली लाइन में लग के देखो भाई स्लिप तो आ गई है। अब पहले मैं जाऊंगा भाई ब्लड सेंटर जहाँ पे ब्लड डोनेट करना है, यहाँ पे सीधा जाके आगे लास्ट में बिल्कुल वहाँ पे है ब्लड डोनेशन कैंप, तो भाई वहाँ पे ब्लड डोनेट करूँगा। बड़े पंगे हैं यार सरकारी हॉस्पिटलों में, अगर किसी की जान पहचान है तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, नहीं तो भाई आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। अब ये लगा लो आधा घंटा यार पर्ची लगाने बनवाने में लग गए यहाँ पे। ये रहा ब्लड डोनेशन कैंप, यहाँ पे अंदर जाना है भाई, अंदर फोन अलाउड नहीं है भाई, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा अंदर की, तो देखते हैं। ओ भाई साहब बड़ा शापा हो गया यार, तो ये क्या हो गया। कहते भाई अगर आपने खाना नहीं खा रखा तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यार मेरे को तो पता ही नहीं था इस बात का कि बिना खाए ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अब पहले बाहर जाके कुछ खा के आना पड़ेगा और फिर आगे ब्लड डोनेट कराऊंगा। और ऊपर से क्या कहते हैं, कहते हैं आपका कौन सा वो है भाई ब्लड ग्रुप, मैं कहता हूँ O नेगेटिव, कहते हैं O नेगेटिव तो हमारे पास इतना है भाई, चाहे आप ही हमसे ले जाओ। ये कोई बोलने की सेंस थोड़ी होती है यार डॉक्टर्स की, मतलब पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत गंदा माहौल है। कहते कौन सा है, मैं कहा भाई O नेगेटिव है, कहती ये तो हमारे पास बहुत सारा है, आप ही ले जाओ हमसे थोड़ा बहुत। मैं क्या करूँगा भाई, मैं खुद यहाँ डोनेट करने आया हूँ, ये कोई सेंस थोड़ी होती है पेशेंट के साथ टॉकिंग। तो भाई पहले कुछ खा के आता हूँ और देखो भाई फिर लेंगे, मैं पहले इनसे कन्फर्म ही कर लेता हूँ भाई लेते हो तो। मैं कुछ खा गया हूँ आम का, मैं 150 रुपये लगाऊंगा खाने के, घर जाके ना खा लूँगा। और भाई यहाँ पे सबसे पहले कैंटीन में जाते हैं भाई, कैंटीन में जाके कुछ देखते हैं अभी खाने का मिलता है नहीं मिलता। ये कैंटीन है अंदर यहाँ पे, देखो भाई ये कैंटीन कितने का है गिलास, 40 वाले दे दो भाई। ये देखो फ्रेश फ्रेश बनाना, ये जूस आ गया भाई। तो भाई फाइनली खाना पीना भी हो गया और अब मैं जा रहा हूँ भाई दोबारा से ब्लड डोनेशन कैंप में, देखते हैं अब क्या कहते हैं वो भाई। जूस पी लिया, शायद जूस से तो मना नहीं करेंगे वो, और अगर खाने की कहेंगे तो भाई अब यहाँ पे कहाँ से खाना खाऊं भाई, बाहर का खाना और फिर हॉस्पिटल में भाई कमाल है। खैर गलती तो मेरी है भाई, इनकी तो क्या गलती है भाई, मेरे को ही नहीं पता था कि भाई बिना खाए पिए डोनेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं तो घर से खा के आता भाई। जी देखो भाई ब्लड डोनेशन कैंप दोबारा से जा रहा हूँ अंदर, मना करके भाई कोई फायदा नहीं है, कहते या तो कल आ जाना या परसों आ जाना भाई, यही काम थोड़ी है मेरे को यार। अब तो गुहाना ही कोई कैंप होगा तो दूंगा भाई, क्योंकि जो मेरा खून है भाई वो बहुत गाढ़ा है, तो इस वजह से मैं डोनेट कर देता हूँ। और डॉक्टर्स ने भी भाई मेरे को सलाह दी थी भाई कि तू डोनेट कर दे, क्योंकि भाई जो मेरी ये नस है ना भाई ये चुट चुट करती रहती है, तो भाई काफ़ी दिक्कत रहती है, और अगर खून गाढ़ा है तो भाई ये लगा लो शरीर में ना बीमारियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं डोनेट कर देता हूँ। पर ये मेरी मजबूरी समझ ही नहीं रहे भाई, मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करूँगा भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करा करो भाई, और डॉक्टर्स को समझाओ कि इतने प्यारे प्यारे मरीज आते हैं भाई उनका तो कर दिया करो, ये सीधा नाट जाते हैं ना भाई, तूने कुछ खा पी नहीं रखा। अरे भाई कुछ खिला दो फिर यार, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम खा लेंगे। और भाई ब्लड का तो काम आज बना नहीं, बाकी जो मेरा जो दूसरा मैंने टेस्ट कराना था जो मेरी किडनी का, किडनी थोड़ी सी फैटी है भाई मेरी, तो उसका टेस्ट करा लिया है, उसकी भी रिपोर्ट कल मिलेगी। अगर कोई खानपुर आता होगा तो उसको बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं गगन को भेज के उठाऊंगा भाई रिपोर्ट। तो उसके लिए तो भाई मैंने डोनेट कर दिया, थोड़ा सा ब्लड लिया उन्होंने और कह रहे थे कि कल सुबह आपको रिपोर्ट मिल जाएगी,
और अब मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे साथ आई थी इंदु आंटी, रिदम की मम्मी, आकाश कन्फेक्शनरी से। तो आंटी को कराना था भाई सिटी स्कैन, तो मैं आंटी के पास जा रहा हूँ। देखो भाई आंटी को भी ऐसे ही पागल बना रहे हैं यार, आंटी का नंबर आ गया। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ सिटी स्कैन स्कैन के डिपार्टमेंट में। आंटी ने शायद डॉक्टर से ने तो लिख दिया भाई कि कर दो इनका सिटी स्कैन, बट देखते हैं भाई क्या रहता है उनका। और भाई वैसे तो यार खानपुर मेडिकल सही है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर से प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराते हो तो वो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है भाई। आपको जो सिटी स्कैन है भाई 5,500-6,000 रुपये में होता है, और यहाँ तो आई थिंक फ्री है भाई। बस थोड़ी सी जान पहचान होनी चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई पेशेंट कम है तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, अदरवाइज़ भाई 5,500-6,000 रुपये लगा लो अपने, नहीं तो भाई सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पर तो सीटिंग भी नहीं है, जो डिपार्टमेंट है जैसे ये सिटी स्कैन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ तो बैठने की भी स्पेस नहीं है, चेयर भी नहीं बना रखी, ऐसा काम है भाई खड़े रहो अपना लाइन में। तो बहुत गंदा सिस्टम है भाई यहाँ पे। वैसे बस पैसों के मामले में ठीक है भाई, जैसे हम जैसे लोग हैं भाई गरीब लोग, तो उसके लिए तो सही है भाई ये। अदरवाइज़ अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराओ, सरकारी में अगर आपके बेस्ट डॉक्टर्स हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई ये डॉक्टर बेस्ट है तो उसी से इलाज कराए, क्योंकि भाई आपके शरीर का मामला है। तो मैं जा रहा हूँ आंटी के पास, और ये रहा भाई सिटी स्कैन का, इधर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं आपके क्या, कहाँ पे होएगा बाहर भाई, वो लिखा हुआ सामने सिटी स्कैन, तो बिल्कुल लास्ट में जाना है। आंटी का भी ऐसे ही पागल बना दिया भाई, अब फ़ोन किया है, कहती है मैं तो वहीं पे ही हूँ जहाँ पे सी ब्लॉक है, तो अभी और सारे टेस्ट लिखे हैं, कहते पहले ये टेस्ट होएंगे फिर उनकी रिपोर्ट आएगी और फिर जाके आपका सिटी स्कैन आएगा। तो ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई, और ये भी नहीं है कि भाई छोटा हॉस्पिटल हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भाई, घूमने में ही रह जाता है बंदा, कभी यहाँ जाओ कभी डी ब्लॉक कभी सी ब्लॉक कभी एफ ब्लॉक कभी जी ब्लॉक कभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, मतलब बहुत रेरे माटी है यार। तो भाई सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में जाना था, आंटी अभी तक ओपीडी में ही है अभी। और गैस आंटी को तो अभी 1.5 घंटा और लगेगा भाई यहाँ पे, और फिर उसके बाद 1.5 घंटा लगेगा सिटी स्कैन में। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं करता हूँ आंटी से बात एक बार, आंटी के अंदर चेकअप करा रही है अपना, अगर आंटी कहेगी तो मैं चला जाऊँगा। तो भाई आंटी से बात करिए, आंटी को तो अभी टाइम लगेगा, और मैं जा रहा हूँ भाई कुआना, और जल्दी मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। और भाई मैं भगवान से प्रे करूँगा कि इस जगह मतलब कभी भी आपको लाइफ में किसी भी डॉक्टर के पास जाने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया था, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया था मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय।